हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रवि पटेल प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी चैनल के अंदर एक और बार आप सब लोगों का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नेचुरल गैस के वीकली व्यू के बारे में। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हम वीकली बेसिस के ऊपर जो है वो नेचुरल गैस के सपोर्ट और टारगेट जो है वो डिस्कस करते हैं। तो हम बात करेंगे पहले MCX प्राइस के अंदर, फिर हम बात करेंगे उसकी डॉलर टर्म प्राइस के अंदर कि दोनों के अंदर क्या क्या सपोर्ट रहेंगे, क्या टारगेट रहेंगे नेक्स्ट वीक के अंदर की जो हमारा फोर्थ वीक ऑफ जून है उसके रिगार्डिंग। तो हमारा जो पहला जो सपोर्ट है नेचुरल गैस के अंदर नेक्स्ट वीक के लिए वो है 126 का। ओके, 126.10 इज आर वेरी इम्पोर्टेंट सपोर्ट फॉर द नेचुरल गैस फॉर द नेक्स्ट वीक। मतलब नेक्स्ट वीक के लिए दोस्तों ये जो है वो हमारा इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम करने वाला है। अगर ये जो सपोर्ट है वो ब्रेक हो जाता है, उसके नीचे अगर ये सस्टेन करता है, तो हम लगभग लगभग 122 के लेवल के आसपास सपोर्ट लेता हुआ देख सकते हैं, और ये जो है वो हमारा फाइनल सपोर्ट है। अगर हमारा ये जो फाइनल सपोर्ट है वो ब्रेक कर देता है, उसके नीचे अगर ये क्लोजिंग कर देता है, तो फिर हमें जो है वो एकदम शार्पली करेक्शन देखने को मिल सकता है। और सेम सिचुएशन जो है वो दोस्तों पिछले वीक के अंदर भी हुई थी। जैसे कि हमने बात की थी कि 127 जो है वो हमारा फाइनल सपोर्ट था, और वो अगर ब्रेक होगा तो फिर हम जो है वो एकदम स्पीड से करेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने टाइटल में भी मेंशन किया है। और हमने जो है वो लगभग लो बनाया था 122 के आसपास, तो हमारा 122 जो है वो फाइनल हमारा सपोर्ट रहेगा। वो सपोर्ट जो है वो दोस्तों अगर ब्रेक कर देता है नेचुरल गैस, उसके नीचे अगर ये सस्टेन करता है, तो आप जो है वो एकदम स्पीड से इसके अंदर करेक्ट करता हुआ इसको देख सकते हो। और ये जो करेक्शन है वो लगभग आपको 118 से लेके ये 114 का जो लेवल है वहाँ पर आप इसको जाता हुआ देख सकते हो। तो हमें ध्यान में ये रखना है कि अगर ये 122 का जो लेवल है वो अगर ब्रेक हो जाता है, उसके नीचे अगर ये सस्टेन कर लेता है, तो फिर हमें नेचुरल गैस के अंदर कहीं ना कहीं थोड़ी सी ज़्यादा दिक्कत देखने को मिल सकती है। तो ये हमने बात की सपोर्ट के बारे में। अब जो है वो मैं आपको मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है, मेरा पर्सनल क्या मानना है, वो भी मैं आपको साथ में बताऊँगा। तो पहले एक बार हम जो है वो टारगेट के बारे में भी देख लेते हैं, और साथ में जो है वो मैं आपको अपना जो ओपिनियन है, मेरा क्या मानना है इसके अंदर, वो भी मैं आपके साथ जो है वो शेयर कर रहा हूँ। सो नंबर वन टारगेट फॉर द नेचुरल गैस फॉर द नेक्स्ट वीक इज अ 133.40 लेवल। ओके, 133.40 इज अवर वेरी इम्पोर्टेंट टारगेट फॉर द नेचुरल गैस फॉर द नेक्स्ट वीक। तो नेक्स्ट वीक के लिए ये जो है वो हमारा इम्पोर्टेंट टारगेट है। अगर ये जो हमारा टारगेट है वो सस्टेन कर लेता है, इसके ऊपर अगर हम क्लोजिंग कर लेते हैं, तो फिर लगभग लगभग हम 136 का जो लेवल है वहाँ पर जा सकते हैं। और 136 का जो लेवल है वो मेरे चार्ट ट्रेडिंग के हिसाब से नेक्स्ट वीक के लिए दोस्तों फाइनल टारगेट रहेगा, क्योंकि इसके ऊपर इसको जो है वो जाने में प्रॉब्लम हो सकता है। अगर ये चला जाता है ऊपर 136 का जो लेवल है वो क्रॉस करके, तो आपको बहुत ही बढ़िया जो तेज़ी है वो देखने को मिल सकती है। लेकिन अभी जो मुझे ऐसा लग रहा है पर्सनली, वो ये लग रहा है कि हम जो है वो एक बार फिर से जो नया लो है उसके आसपास जा सकते हैं, या तो फिर हम जो है वो नया लो बना भी सकते हैं, जैसे कि मैंने पिछले 2 से 3 वीडियो से आपको बताया था। और अगर आपने वो जो मेरी बात थी वो ध्यान से सुनी होगी, तो आपको जो है वो बेनिफिट भी हुआ होगा, ठीक है। क्योंकि हम जो है वो बात करते थे कि कब जो है वो मेरा ओपिनियन जो मैं आपको देता था उसके अंदर कब जो है वो हम बाय कर सकते हैं, कब जो है वो वहाँ पर वो सपोर्ट लेगा। मेरा जो मानना है दोस्तों वो एक सेफ साइड रहता है कि हमें जो है वो थोड़ा सा प्रॉफिट हो लेकिन थोड़ा सा सेफ रहे, क्योंकि इसके अंदर जो है वो थोड़ी सी वॉलीटिलिटी भी ज़्यादा थी पिछले दिनों से, एक महीने से। लेकिन जब से इसके अंदर जो थोड़ा सा चेंज हो रहा था, मैंने आपको जो है वो वहाँ पर बताया था। तो अब हमें नेक्स्ट वीक के अंदर क्या करना है उसके बारे में भी बता देता हूँ। तो हमें जो है वो ध्यान रखना है दोस्तों, क्योंकि अभी जो है उसका जो क्लोजिंग है जो प्राइस से लगभग 128 के आसपास से,
तो ये जो प्राइस है उससे अगर आपको बाय ही करना है, जैसे कि मैं हर एक वीडियो में बता रहा हूँ, लेकिन अभी जो है वो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बार जो लो है वो बन सकता है और हम जो है वो लगभग उसके आसपास तो आ चुके हैं। ठीक है, हमने जो है वो हाई अच्छा लगाया ऊपर 133 के आसपास का, लेकिन वहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाए और लो एकदम नीचे आ गया था हमारा 122 के आसपास। मतलब सीधी बात है, इसके अंदर जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम है अभी भी। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि जब तक ये 133.40 जो हमारा इम्पोर्टेंट टारगेट है इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर लेता है, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं कर लेता है, तब तक जो है वो हमें इसके अंदर जो है वो लॉन्ग पोजीशन नहीं करनी चाहिए। ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है, पर्सनल मेरा मानना है। और नीचे की अगर मैं बात करूं तो अगर ये 122 का जो लेवल है दोस्तों वो अगर इस बार ब्रेक करता है तो आपको 118 से 114 के जो टारगेट है वो आपको इसके अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो आपको मेन ये ध्यान में रखना है कि ये 122 का जो सपोर्ट है जब तक ब्रेक नहीं करता है तब तक उसके लिए अच्छा है, अगर ब्रेक कर देता है एक बार तो फिर नीचे की जर्नी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, या तो फिर ये ऊपर का जो हमारा टारगेट है 133.40 का उसके ऊपर जाके ये सस्टेन करता है तो हम जो है वो थोड़ा सा ऊपर जा सकते हैं। ठीक है, या तो फिर जो है सिंपल चीज़ हमें जो है वो वेट एंड वॉच की सिचुएशन जो है वो दोस्तों अपनानी चाहिए नेक्स्ट वीक के अंदर, क्योंकि कई बार जो है जैसे कि मैंने पिछले वीडियो के अंदर भी शेयर किया था कि कुछ ना करने में हमारा बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो हमें जो है वो अभी वेट एंड वॉच करना चाहिए क्योंकि हम जो है वो लो के आसपास तो आ चुके हैं। अब यहाँ पे ये देखना है कि वो लो को रिट्रेस करता है, उसके नीचे जाता है तो कितना जाएगा। तो ये सारा जो अगर आप जो कामकाज करते हो अभी, तो बहुत ही एकदम ध्यान से और एकदम स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ करना दोस्तों, क्योंकि अभी तो क्या था कि थोड़ा सा ऊपर नीचे मूवमेंट थी तो आपको भी अच्छा लग रहा होगा कि चलो आज नहीं तो कल आ जाएगा, कल नहीं तो परसों आ जाएगा, और आ भी जाता था। अगर आपने सेल किया होता तो वो ऊपर जाता और फिर से वापस से नीचे आ जाता, या आपने बाय पोजीशन में भी बनाई होगी वो नीचे जाता था लेकिन वापस से ऊपर आ जाता था। आपको ये जो बेनिफिट है वो मिले होंगे लगभग 1 से 2 महीने के अंदर अगर आपने ट्रेडिंग किया होगा इसके अंदर तो। लेकिन दोस्तों अभी जो है वो एक इसका थोड़ा डिसीजन वाला पीरियड आ गया है, मतलब या तो ये नीचे जाएगा या तो ये ऊपर जाएगा। पॉसिबिलिटी जो है वो एक बार मैंने बता दिया कि एक बार लो लगा सकता है ना, तो हमें वेट करना है, वॉच करना है। और अगर आपको फिर भी रहा नहीं जाता है ट्रेडिंग से तो जब तक ये 133.40 का जो टारगेट है उसके ऊपर ये सस्टेन नहीं कर लेता है, उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं करता है, तब तक जो है वो उसको हाथ नहीं लगाना है बाय साइड पे। और अगर सेल की बात करते हैं तो जब तक ये 122 के लेवल के नीचे नहीं आ जाता, उसके नीचे सस्टेन नहीं कर लेता, तब तक जो है वो उसको सेल भी नहीं करना है, वही हमारा जो है वो स्टॉप लॉस बन जाएगा। तो ये जो है वो मैंने अपना पर्सनल ओपिनियन जो है वो भी मैंने आपके साथ जो है वो शेयर कर दिया। अब दोस्तों एक और चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग जो थे हमारे दोस्त जो थे वो मुझे बता रहे थे कि आप जो है वो इंट्राडे के लिए जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप ऐसा जो है वो कुछ बनाइए, तो मैंने उनको वो मैसेज में भी रिप्लाई किया था और आपको भी यहाँ पर बता रहा हूँ कि हम जो है वो एक बहुत ही बढ़िया चीज़ जो है वो लाने वाले हैं। तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए दोस्तों, आपको इंट्राडे के लिए बहुत ही बढ़िया चीज़ जो है वो मैं आपके सामने रखने वाला हूँ और आपको वो चीज़ जो है वो बहुत ही बढ़िया लगेगी, जिसके अंदर जो है वो हम इंट्राडे के जो लेवल है, जो टारगेट है, जो सपोर्ट है वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, वो पूरा जो है वो मैं तो आपको थोड़ा सस्पेंस रखते हैं अभी, लेकिन जब भी वो जो आ जाएगा तब मैं आपको बता दूंगा। बहुत ही उसके ऊपर काम चल रहा है अभी, तो जैसे ही वो काम कंप्लीट हो जाता है उस वो कंप्लीट होने के बाद जो है वो मैं आपको ज़रूर शेयर करूंगा, जिसके अंदर जो है वो हम इंट्राडे की भी बात करेंगे, ऐसे वीकली बेसिस पर भी मिलते रहेंगे, साथ में इंट्राडे जो है उसकी भी बात करेंगे। तो ये जो मेरा एक आपको बताना था, बहुत सारे लोगों का जो एक मन में इच्छा थी तो वो भी मैंने आपके साथ जो है वो शेयर कर दी। तो दोस्तों ये मैंने अपना ओपिनियन भी बता दिया आपको कि 133 के ऊपर जाता है तो ही हमें जो है वो बाय करना है, अदरवाइज जो एक लो है वो बन सकता है। फिर नेक्स्ट वीक के अंदर हम देखते हैं कि फिर उसकी क्या पॉसिबिलिटी है, वो कहाँ पर उसने क्या काम किया है, लेकिन जब तक ये नहीं कोई एक रेंज में रहता है 122 से 133, तो
तो आप जो है वो इसमें से थोड़ा सा ध्यान रखना। और जो मैंने बताया वैसे 1 से 2 महीने में आपने अगर सेल किया हो तो भी आपको प्रॉफिट हुआ होगा, बाय किया होगा तो भी प्रॉफिट हुआ होगा आपको, ठीक है, अगर थोड़ा वेट कर लेते थे। लेकिन अब जो है वो ऐसा नहीं होगा, ये मेरी बात जो है वो खास ध्यान से सुनना, हो सके तो थोड़ा सा इसमें से दूर रहने का ट्राई करना, क्योंकि इसकी जो वॉलेटिलिटी है वो थोड़ी ज़्यादा सा बढ़ सकती है, और हमें जो है वो इसके अंदर कंसंट्रेशन करना है 122। ब्रेक करता है कि 133 का जो हमारा टारगेट है वो ब्रेक करता है, वहाँ पर हमें ध्यान देना है। तो ये मेरा ओपिनियन भी मैंने आपको बता दिया। अब जो है वो थर्ड टारगेट के बारे में भी बात कर लेते हैं। जो हमारा थर्ड टारगेट है, अगर ये सस्टेन करता है 136 का लेवल, तो फिर हम लगभग लगभग 140 से लेके 144 का जो लेवल है वो इसके अंदर देख सकते हैं दोस्तों, अगर 136 का जो टारगेट है वो अचीव होता है तो। और ख़ास बात दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो से बेनिफिट होता हो, वीडियो से आपको हेल्प मिलती हो ट्रेडिंग के अंदर, मेरा जो व्यू है, मेरा जो चार्ट ट्रेडिंग है वो आपको अगर बेनिफिट करता हो, तो आप मुझे कमेंट के अंदर ज़रूर बताइए दोस्तों। आपके कमेंट से मुझे भी अच्छा लगेगा कि मेरा ये जो नॉलेज है वो आपके किसी काम में आ रहा है। और आप जो है वो वीडियो अच्छा लगता हो तो दोस्तों वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि आपके लाइक से मुझे जो है वो एनकरेजमेंट मिलता है दोस्तों। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। और हमने जो बात की थी पिछले वीडियो की, जो फाइनल सपोर्ट ब्रेक होने की, वो वीडियो जो है उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है वो प्रोवाइड किया है, तो वो वीडियो भी दोस्तों आप ज़रूर देखना, तो आपको जो है वो थोड़ा सा आइडिया आएगा। तो अब हम बात कर लेते हैं कि उसके डॉलर टर्म प्राइस के अंदर क्या सपोर्ट और क्या टारगेट रहेंगे उसके बारे में। सो नंबर वन सपोर्ट फॉर द नेचुरल गैस फॉर द नेक्स्ट वीक इज 1.650। ओके, 1.650 इज अवर वेरी इम्पोर्टेंट सपोर्ट फॉर द नेचुरल गैस फॉर द नेक्स्ट वीक। ओके, इफ दिस सपोर्ट कैन ब्रेक एंड सस्टेन बिलो दिस प्राइस, देन वी कैन सी द लेवल 1.590, एंड 1.590 इज आवर फाइनल सपोर्ट फॉर द नेचुरल गैस फॉर द नेक्स्ट वीक। ओके, एंड फ्रेंड्स, इफ दिस टाइम दिस सपोर्ट कैन ब्रेक बाय, इफ दिस सपोर्ट कैन ब्रेक बाय द नेचुरल गैस, देन वी मे सी न्यू लो, देर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट वी मे सी इन न्यू लो इन द नेचुरल गैस, एंड दिस करेक्शन मे एक्सटेंड अप टू 1.530 लेवल टू अप्रॉक्स 1.490। ओके, दिस लेवल वी कैन सी इफ अवर फाइनल सपोर्ट कैन ब्रेक एंड सस्टेन बिलो दिस प्राइस। ओके, सो कंटिन्यू अवर डिस्कशन विद द टारगेट प्राइस फॉर द नेचुरल गैस फॉर द नेक्स्ट वीक। सो नंबर वन टारगेट फॉर द नेचुरल गैस इज अ 1.710 लेवल, इट्स आवर वेरी इम्पोर्टेंट टारगेट फॉर द नेचुरल गैस। ओके, इफ नेचुरल गैस कैन सस्टेन दिस प्राइस एंड सस्टेन दिस लेवल, देन वी कैन सी द लेवल 1.775 एंड इट्स आवर फाइनल टारगेट फॉर द नेचुरल गैस फॉर द नेक्स्ट वीक। ओके, एंड इफ बाय एनी रीजन वी कैन सस्टेन आवर फाइनल टारगेट फॉर द नेचुरल गैस फॉर द नेक्स्ट वीक, देन वी मे सी वेरी गुड रैली इन द नेचुरल गैस, एंड दिस रैली मे एक्सटेंड अप टू 1.825 लेवल टू 1.870 लेवल। ओके, सो इट्स अ सपोर्ट एंड टारगेट फॉर द नेचुरल गैस फॉर द नेक्स्ट वीक, विच इज अ फोर्थ वीक ऑफ जून 2020। ओके, इफ यू आर विजिटिंग फर्स्ट टाइम दिस चैनल, देन सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ द करेंसी एज वेल एज द कॉमोडिटी वीकली। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।